कब तक इस देश में रमन वाल्मीकि जैसी हत्याएं होती रहेंगी, कब तक इस देश में बहन मनीषा वाल्मीकि जैसे बलात्कार होते रहेंगे, कब तक इस देश में रोहित वेमुला जैसी फांसी बलात्कार। बहुजन समाज के तमाम नागरिकों से कहना चाहेंगे, तमाम बड़े बड़े नेताओं से कहना चाहेंगे कि आप सभी मांग करें कि रमन वाल्मीकि केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए साथियों, उसके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए साथियों। सभी को सरकार से प्रशासन से सवाल पूछना है कि जेल के अंदर जहरीला पदार्थ पहुंचा कैसे, भाई रमन वाल्मीकि की हत्या हुई कैसे। सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय वाल्मीकि। आज का जो मैं वीडियो लेके आया हूँ साथियों, मैं आपको एक ऐसी दर्द भरी कहानी से रूबरू कराना चाहता हूँ साथियों, जो वाकई एक मैच कहानी बनकर रह गई। साथियों आपको याद होगा कि जब इस देश में कोरोना महामारी आई, जब इस देश में पहली बार कोरोना महामारी ने कदम रखा, तो इस देश को एक ऐसी महामारी से बचाने के लिए लॉकडाउन लगाया गया साथियों, सभी लोगों को घरों में क्वारंटाइन किया गया साथियों, पूरा देश सुनसान हो गया साथियों। तभी उसी दौरान हरियाणा की यमुनानगर जेल के अंदर एक हमारा शेर सा भाई, बहुजन समाज का शेर भाई रमन वाल्मीकि जेल के अंदर बंद था साथियों, और उसी दौरान एक दिल को झकझोर देने वाली खबर आई साथियों के जेल के अंदर जो हमारा शेर सा भाई यमुनानगर हरियाणा की जेल के अंदर बंद था, उसकी मौत हो गई साथियों। और जब प्रशासन के द्वारा बयान दिया गया साथियों, तो बयान दिया गया कि उसकी मौत जहर खाने से हुई। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, ये सवाल आज भी हमारे दिलों में, ये सवाल आज भी बहुजन समाज के दिलों में है, जिस जेल के अंदर साथियों एक लिखने वाला पेन नहीं जा सकता क्योंकि वो एक नोकीला पदार्थ है, उससे किसी को हानि ना पहुंच जाए, जिस जेल के अंदर कोई नशीला पदार्थ नहीं जा सकता, जिस जेल के अंदर साथियों ऐसी कोई वस्तु नहीं जा सकती, तो उस जेल के अंदर नशीला पदार्थ पहुंचा कैसे, वो जहरीला पदार्थ उस जेल के अंदर पहुंचा कैसे साथियों। ये सवाल आज भी हमारे दिलों में है, ये सवाल आज भी बहुजन समाज के दिलों में है, ये सवाल आज भी उस पीड़ित परिवार के दिलों में है, जो आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा साथियों, जो आज भी अपने बच्चे के इंसाफ के लिए जगह जगह गुहार लगा रहा साथियों, वो परिवार आज भी पीड़ित है साथियों। उस परिवार को किसी भी तरह का इंसाफ नहीं दिया गया साथियों, उस परिवार को सरकार के द्वारा, उस परिवार को सरकार की तरफ से कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई साथियों, जिस परिवार का शेर सा बच्चा चला जाता हो साथियों, जिस परिवार से उसका जवान बच्चा चला जाता साथियों, उससे पूछिए, उसके दिल से पूछिए क्या बीतती होगी उस परिवार, उस बाप पे क्या बीतती होगी जिसने इतना बड़ा अपना बच्चा, उसका जो है रह गुजर करके, उसको खिला पिला के अपनी औलाद को इतना बड़ा किया साथियों, जिसके जवान सा बच्चा उसके बीच से ऐसे चला जाए, उसके दिलों में क्या बीतती होगी साथियों। शासन प्रशासन के द्वारा जो ये साजिश की गई साथियों, साजिश की हत्या की गई साथियों, जेल प्रशासन के द्वारा सरकार की मिली भगत से जो हत्या की गई साथियों, और कुछ दरिंदों के साथ मिलकर जो हत्या की गई साथियों, आप इस हत्या को भुलाइएगा मत, आप इस घटना को भुलाइए मत साथियों। आज कहीं ना कहीं मेरा समाज उस हत्या को भूल चुका है, आज कहीं ना कहीं मेरा समाज उस परिवार के दर्द को भूल चुका है साथियों। आप मत भूलिए कि आप कहीं ना कहीं ये घटना आपके साथ भी, कब तक इस देश में रमन वाल्मीकि जैसी हत्याएं होती रहेंगी, कब तक इस देश में बहन मनीषा वाल्मीकि जैसे बलात्कार होते रहेंगे, कब तक इस देश में रोहित वेमुला जैसी फांसी बलात्कार जो है वो साजिशन तहत होते रहेंगे, कब तक साथियों। ये सवाल आज भी सबके दिलों में है कि कब तक बहुजन समाज यूं मरता रहेगा, यूं पिटता रहेगा, कब तक बहुजन समाज यूं उनकी बेटियों के साथ बलात्कार होता रहेगा। आपको एक होकर आवाज उठानी पड़ेगी, आपको भाई रमन वाल्मीकि के लिए आवाज उठानी पड़ेगी साथियों, आपको उस परिवार के साथ खड़ा होना पड़ेगा साथियों। आज ठीक आज 25 तारीख पिछले साल भाई रमन वाल्मीकि की हत्या, हमारे शेर से भाई की हत्या, सबसे पहले आज उनकी पुण्यतिथि पर हमारा कोटि कोटि नमन, और वो शेर सा भाई हमारी यादों में हमेशा अमर रहे। लेकिन मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, आज उनकी पुण्यतिथि पर आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि साथियों वो शहादत, साथियों वो दरिंदगी, वो हत्या हमारे भाई को आप भूलिएगा मत। ये घटना कभी ना कभी आपके परिवार तक भी पहुंच सकती है, हमेशा से हमारे लोगों के साथ ही अत्याचारी उत्पीड़न हुआ साथ, भाई रमन वाल्मीकि को आप भूलिएगा मत। आपको सभी को एक होकर भाई रमन वाल्मीकि के लिए ज्यादा से ज्यादा आवाज उठानी है, सभी को सरकार से प्रशासन से सवाल पूछना है कि जेल के अंदर जहरीला पदार्थ पहुंचा कैसे, भाई रमन वाल्मीकि की हत्या हुई कैसे, किसने उनके साथ ही हत्या करी, और इसकी जांच हो, इसकी सीबीआई जांच हो। इसकी हमने पहले भी मांग करी थी कि इस केस की, इस हत्या की सीबीआई जांच हो, हम इसकी पुरजोर मांग करते हैं, हम इसकी पुरजोर मांग करते हैं, सभी से कहना चाहेंगे, बहुजन समाज के तमाम नागरिकों से कहना चाहेंगे, तमाम बड़े बड़े नेताओं से कहना चाहेंगे कि आप सभी मांग करें कि रमन वाल्मीकि केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए साथियों, उसके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए साथियों। और एक बार फिर से
रमन वाल्मीकि को उनकी पुण्यतिथि पर हमारा कोटि कोटि नमन। वो हमारी यादों में हमेशा अमर रहेंगे।